डीसीसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ व्यस्तता के कारण इधर आपके वीडियो नहीं बन पा रहे थे, आज हम फिर एक नए टॉपिक परसेंटेज के साथ आए हैं। और ध्यान दीजिए, इधर यूपीपी का एग्ज़ाम हो रहा था और उसका पेपर लीक हो गया था। छात्रों और अध्यापकों के प्रयास से पेपर का फिर से री एग्ज़ाम होगा, पेपर कैंसिल हो गया और आपका री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि आपके सपनों को कोई चंद पैसों देकर नहीं खरीद सकता। इसलिए आप फिर से एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जब री एग्ज़ाम होता है तो थोड़ा सा इसके मुकाबले कठिन भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है, और हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगते। इसलिए आप अपने रिदम को मत तोड़िएगा, लगातार जैसे पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। तो हम जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है, अगर बात करें परसेंटेज की, तो पर का मतलब एक होता है और सेंटेज का मतलब होता है सैकड़ा। अगर हिंदी में बात करें तो प्रतिशतता, प्रति का मतलब एक और शत का मतलब सैकड़ा होता है। यानी कोई चीज सौ में जितनी ही होगी वही परसेंटेज कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि 10%, तो 10% का मतलब 100 में 10। यानी किसी को अगर 10% दिया जा रहा है तो इसका मतलब 100 में कितना दिया जा रहा है, यानी 100 में 10 दिया जा रहा है, तो यही 10%। अगर हम 25% की बात करें तो इसका मतलब 100 में ये 25 है। और परसेंटेज कुछ है नहीं, परसेंटेज बस भिन्न का बदला हुआ रूप ही परसेंटेज है। जैसे इसी 25% को अगर हम बात कर रहे हैं तो 25% किसी को कोई धन दिया गया, किसी भी धन का, तो हम ये कह सकते हैं उसको 100 में 25 दिया गया। अगर इसी 25% को 1/4 कहेंगे तो उसको कहेंगे 4 में 1 दिया गया। यानी परसेंटेज कुछ है नया नहीं, भिन्न का बदला हुआ रूप ही परसेंटेज है। अगर हम परसेंटेज से भिन्न में बदलें किसी चीज़ को, अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलें तो कैसे बदला जाएगा। जैसे अगर हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो सीधे सीधे 100 से भाग दे देंगे, 25/100 यानी 1/4 की। अगर हम 20% को भिन्न में बदल रहे हैं तो 20% का मतलब 20/100 के, यानी 1/5 के। अगर हम 30% को भिन्न में बदल रहे हैं तो 30 से भाग दे देंगे, 30/100। अगर हम 16 सहित 2/3% को भिन्न में बदल रहे हैं तो ये संयुक्त भिन्न है, 3 का 16 में गुणा होगा, 16 3 48 और 2 जुड़ जाएगा, 50/3 परसेंटेज, परसेंटेज है हटेगा, यानी 100 से भाग होगा नीचे, 50 × 100 यानी 1/6 की। परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए आप 100 से भाग देंगे। अगर यही आपको कहा जाए भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए, जैसे 1/3 को भिन्न है परसेंटेज में, मतलब सीधे सीधे आप 100 का गुणा कर देंगे, यानी 100/3 परसेंट हो गया, संयुक्त बदलेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, 33 सही 1/3%। यानी हमने क्या बताया कि भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज से भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ऐसे कुछ परसेंटेज हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके याद कर लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें 1/2, इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप कहेंगे 1/2 × 100 यानी सीधे सीधे 50%। 1/3 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/3 × 100 यानी 100/3% यानी 33 सही
1/3%, 1/4 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/4 × 100, 4 से भाग दे देंगे यानी 25%। 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/5 × 100 यानी 5, 20%। इसी तरह 1/6 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/6 × 100, 1/6 × 100 यानी 2 × 3 = 6, 2 = 50, 50/3% यानी 16 × 2/3%, 16 × 2/3%। 1/7 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/7 × 100 यानी 100/7%, 100/7, इसको संयुक्त में बदलेंगे तो 14/2/7%। 1/8 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/8 × 100 यानी 4 × 2 = 8, 4 = 25, 25/2 यानी 12.5%। इसी तरह 1/9 को भिन्न परसेंटेज में बदलना है तो 100/9% यानी 11/1/9%, यानी जो वर्क करना है आपको किस पर, 1/3, 33/1/3%, 1/6 यानी 16/2/3%, इसको आप कह सकते हैं 16.66%, 1/7 14.2%, इसको आप कह सकते हैं 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9, इसी पर मेन फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको कहा जाए कि 1/3, तो वहाँ आप 1/3 × 100, 100/3% का है और 33/1/3, आपसे जैसे ही कहा जाए कि 33/1/3%, तो उसका मतलब 1/3, जैसे ही आपसे बोला जाए 16/2/3%, तो आप कहिएगा 1/6, जैसे ही आपसे कहा जाए 14/2/7%, आप कहिएगा 1/7, यानी एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, और टाइम बचाने के लिए ऐसे परसेंटेज को आपको प्रैक्टिस करके याद करना, याद करने का मतलब रटना नहीं है, रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, आपको क्या करना है, मेनली इस पर प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही कुछ और परसेंटेज हैं, एक बटे दस यानी 1/10 × 100, 10%, 1/11, 1/11 × 100, 11/9/1/11%, 1/12, 1/12 × 100, 4 × 3 = 12, 4 = 25, 25/3% यानी 8/1/3%। इसी तरह 1/13, 1/14, 1/14, 1/14 × 100, 2 × 7 = 14, 2 = 50, 50/7% यानी 7/1/7%। सात से 1/7%। इसी तरह 1/15, 1/15 × 100, 5 × 3 = 15, 5 × 20, 20/3% यानी 3 × 6 = 18, 6/2/3%। ऐसे ही भिन्न से आप परसेंटेज, भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज से भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, और ऐसे कुछ परसेंटेज हैं जिसको आपको घर पर जाकर लिख कर उस पर प्रैक्टिस करना। एक बटे आठ, इसका मतलब हमने बताया 12.5%,
एक बटे आठ का मतलब 12.5%, 12.5%। इसका अगर तिगुना करें 3/8 तो इसका भी तिगुना होगा 12.5% गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 12+1/2% है गुणे 3 के, 3 का गुणा होगा 12 + 36 + 3/2। इसको फिर संयुक्त भिन्न में बदलेंगे 36 + 1 = 1/2 यानी 37 = 1/2%। यानी 1/8 का मतलब अगर 12.5% है तो 3/8 का मतलब कितना होगा 37%। इसी तरह अगर 5/8 की बात करें यानी इसका 5 गुना, अब सीधे सीधे गुणा करेंगे 12 × 5 = 60 और 5 यहाँ 5/2, 5/2 होगा तो 2 × 4 = 1 यानी 2 × 4 2 = 1/2 यानी इस 12 = 1/2% को अगर 5 का गुणा करें तो 1 हो जाएगा 60+5/2% यानी इसको कहेंगे 60+2 = 1/2 यानी 62% ऐसे ही आप इसका 7 गुना भी निकाल सकते हैं 87 = 1/2% ऐसे। मान लीजिए आपको दिया गया है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/5 तो अगर इसी का 2/5 निकालना है तो 40%, इसी का 3/5 निकालना है तो 60%। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेंगे। याद करने का मतलब है रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिस करना है। साढ़े 12% का मतलब अगर हमने 1/8 बताया तो 1/8% में अगर हम बोल रहे हैं 12.5%, इसका मतलब 100 में 12। अगर फ्रैक्शन में बोल रहे हैं तो 8 में 1 यानी 8 को अगर मूल मान मान लिया जाए, मूल मान, तो ये जो 1 है इसी का प्रतिशत परिणाम, यानी कहने का मतलब ये है 8 अगर कोई संख्या है तो 8 का 12.5% यानी 1/8 क्या होगा, वही ऊपर वाला होगा। इसी तरह अगर हम आपसे कहें 37 = 1/2%, 37 = 1/2% का मतलब होता है 3/8 के, 37 × 2 = 74, 74 × 1 = 75, 75/2%। अभी बताए हैं परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे यानी 1/100 का गुणा करेंगे, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100 यानी 3/8 के। 37.5% का मतलब अगर हमने 3/8 बताया तो 8 को अगर मूल मान मान लिया जाए, मूल मान, तो 8 का 37.5% 3 उसी का प्रतिशत परिणाम हो, अब आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बटे तीन का कितना प्रतिशत, 2/3 है। पहला विकल्प है 10%, दूसरा विकल्प है 20%, तीसरा विकल्प है 50% और चौथा विकल्प है 200%। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है?
जिससे तुलना होगी वही हमारा बेस होगा। जैसे इसने पूछा कि एक बटे तीन का, यानी तीन एक बटे तीन से तुलना करना है, एक बटे तीन का दो बटे तीन कितना प्रतिशत है गुणे सौ, यानी बेस क्या है हमारा एक बटे तीन। ये सीधे सीधे जिसके साथ का लगा रहे उसी को आप बेस मानेंगे, एक बटे तीन का एक बटे तीन ये बेस हो गया, दो बटे तीन कितना परसेंट है गुणे सौ। यहाँ अगर इस तरह का कोई भिन्न हो और बटे के रूप में लिखा हो दो बटे तीन, तो हर से हर कैंसिल हो जाएगा और दो बटे एक, एक का कोई मतलब नहीं, यानी 200%। विकल्प आपका डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अस्सी मीटर पांच किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। विकल्प है आपका 1%, 2%, 1.6%, 3.2%। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, किसके बारे में कहा 80 मीटर किसके 5 किलोमीटर का। अभी हमने बताया जिसके साथ का लग रहा है वो बेस है, तो तुलना किससे किया गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये बेस हो गया। किसका पूछ रहा है 80 मीटर का पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है गुणे 100 के। 5 किलोमीटर का 80 मीटर कितना परसेंट है, या 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। अब यहां आप देखिए 80 मीटर है और ये किलोमीटर है, मीटर से किलोमीटर कैंसिल नहीं होगा और मुझे परसेंटेज निकालना है, तो कैंसिल जब नहीं होगा दोनों को समान राशि, इसको भी मीटर कन्वर्ट कर देते, जब मीटर कन्वर्ट करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल, यानी 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। अब इसको काट दीजिए, यानी 1020, 1020, 3, 8/5, 8/5 को भाग दे दीजिए, भाग देने का मतलब 5 से 8 में भाग देना है, 5 × 1 = 5, 3 बचा, अब जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लीजिए 0, 5 × 6 = 30, यानी 1.6%। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है 1.6, जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जा रहा है, जैसे 5 तो कुछ मत कीजिए, इसी 8 को दुगना कर दीजिए 16, और 0.1 स्थान पर 0.1 लगा दीजिए, यानी 1.6। जैसे कोई संख्या है 124, इसको मुझे 5 से भाग देना है, तब क्या कीजिए दुगना कर दीजिए, दुगना का मतलब 2, 4, 8 और 0.1 स्थान लगा दीजिए, यानी 24.8 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डरना नहीं है मुझे, प्रैक्टिस करते रहना है और पढ़ते रहना है, ये सब जो पेपर लीक हुआ है और जो लोग पेपर लीक कराए हैं उनसे नहीं डरना है, क्योंकि मुझे एक सीट से मतलब है और हम मेहनत करके वो अपनी एक सीट पक्का कर लेंगे, चाहे मुझे जितनी ही मेहनत करनी पड़े, हम अपने हक की लड़ाई अपनी सीट लेकर रहेंगे, इसलिए घबराइएगा मत इस, क्योंकि ऐसे दलाल और इन सब से सावधान रहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दे दीजिए कि ऐसे दलाल मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो आप कमरे में बैठ के पढ़ते हैं तो कोई आपके चंद पैसों से आपके सपनों को खरीद लेता है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कितनी भी कोशिश कर ले रहे हैं ये घटनाएँ कम नहीं हो पा रही हैं पेपर लीक का,
और पेपर लीक अगर बंद हो गया, क्योंकि हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि हम कोई बिजनेस कर लें, हमारी आशा यही रहती है हम अपने माँ बाप को सपनों का ऐसे ही पूरा कर सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए हम मेहनत करते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, कोई आता है चंद पैसों से हमारे सपनों को खरीद लेता है, तब मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है इन सब तथ्यों से, क्योंकि वो जो भी करेंगे अपना कृत उनको परिणाम जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए और लगातार बने रहिए, ऐसा नहीं है कि आप अब थोड़े ढीले पड़ जाएं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि पेपर आसानी मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं पेपर कठिन मिल जाए, कठिन भी आ सकता है आसान, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे टालेंगे कि आज पढ़ लें कल पढ़ लें, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, तो आप फिर अगर इसमें अच्छा स्कोर किए हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चाहे जो अच्छा किया हो और जिसका बुरा हुआ, दोनों को रात मेहनत करके अपनी एक सीट पक्की करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, बदलने पर क्या आएगा। पहला विकल्प है 0.24%, दूसरा विकल्प है 24%, तीसरा विकल्प है 240% और चौथा विकल्प है 2.4। कारण 2.4 को परसेंटेज में बदलिए, और हमने आपसे क्या कहा, परसेंटेज में बदलने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, यानी 2.4 को 100 से गुणा कर देंगे। जब ये गुणा करेंगे तो दशमलव इसका आ जाएगा 2400, और दशमलव के बाद एक अंक, यानी ये जीरो का कोई मतलब नहीं, 240% सी आपका आंसर होगा। जब भी दशमलव के बाद एक अंक उसका आपको गुणा करना है, तो सीधे इस दशमलव से एक जीरो खत्म कर सकते हैं। मतलब क्या है इस 2.4 का, इसको कह सकते हैं दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ नीचे एक जीरो होगा, यानी 24/10 और गुणे 100, तो एक जीरो एक जीरो कैंसिल। इसी तरह दशमलव के बाद एक अंक है, इस दशमलव से एक जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, विकल्प आपका सी सही है, 240%। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। विकल्प है आपका 5%, दूसरा विकल्प है 2%, तीसरा विकल्प है आपका 10% और चौथा विकल्प है 16/2/3%। 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है, 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है। तो 12 घंटे किसका पूछ रहा, 3 दिन का, तो बेस हमारा क्या, 3 दिन, किसके बारे में पूछ रहा, 12 घंटे, ऊपर घंटा है नीचे क्या है, दिन है। तो दिन को आप क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, और घंटे में कन्वर्ट करने का मतलब एक दिन बराबर 24 घंटे, गुणे 24, परसेंटेज पूछ रहा है, गुणे 100, परसेंटेज में बदलने के लिए सीधे सीधे 100 का गुणा करेंगे, तो ये पूछ रहा परसेंटेज, बेस हमारा 3, यही 3 दिन का, देखिए का लगा है तो बटे 3, यानी 12 × 2 = 24, अब 1/6, चाहे 100 का गुणा करते, डायरेक्ट आपको अभी प्रैक्टिस करके बताएं कि 1/6 का मतलब ही होता है 16/2/3%, यानी विकल्प आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
5 लीटर का 8% है, विकल्प है आपका 0.4 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर, 4 मिलीलीटर। कहा है 5 लीटर का 8% कितने के बराबर होगा? लीटर से जो आंसर पूछा है मिलीलीटर में, 5 लीटर का 8% यानी 5 लीटर का मतलब गुणा 8%, 8/100। अब 5 लीटर है लेकिन आंसर किस में है? मिलीलीटर में। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी इसमें सीधे 1000 का गुणा होगा, 5 × 1000, 1 2 0 1 2 0, 5 × 50 = 40, यानी 400 मिलीलीटर, बी विकल्प सही। कुछ पैमाने हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जैसे किलो, किलो के बाद हेक्टो, फिर डेका, मीटर होगा या ग्राम होगा या लीटर होगा, इसके बाद डेसी, सेंटी मिली। शुरू आप जब पहली कक्षाओं में 6, 7, 5, 6 में पढ़ते तो आपको रटाया जाता था किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली मीटर। तो ये पैमाना है किलो, हेक्टो, डेका। यहाँ से हम कुछ भी जानना चाहें, जैसे मुझे जानना है कि 1 किलो बराबर कितने हेक्टो, 1 किलो बराबर 10, 1 किलो बराबर कितना डेका, 100, या 1 हेक्टो बराबर कितना डेका, 10, 1 डेका बराबर कितने मीटर, 10, 1 मीटर बराबर कितने डेसी, 10, 1 सेंटी बराबर कितने, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100, 1 डेसी बराबर कितने सेंटीमीटर, 10, 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, 1000। ऐसे 1 लिखकर 0, जब उल्टा करना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 1/ कितना 0, 1 0, यानी 1/10। 1 मीटर बराबर कितने डेका, 1/10। 1 डेका बराबर कितने, 1 2 0 है, 1/100। तो ऐसे 1 डेका मीटर बराबर 100 में आ जाएगा, इधर जाएंगे 0। तो ये पैमाना आप याद रखिएगा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, ग्राम, यहाँ डेका मीटर, डेका ग्राम, किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, सब में कन्वर्ट होगा, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दशमलव 2 किलोमीटर का 34% क्या है? विकल्प है आपका 40,800 सेंटीमीटर, बी विकल्प है आपका 4,08,000 सेंटीमीटर, सी विकल्प है आपका 4,080 सेंटीमीटर, डी विकल्प है आपका 408
सेंटीमीटर। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या है? अब 1.2 किलोमीटर का 34%, तो 1.2 किलोमीटर का 34% बटे 34/100। अब ये किलोमीटर है, लेकिन आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर, तो पहले किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 1.2 किलोमीटर और कितने मीटर के? 1000 मीटर के। और 1 मीटर और कितने सेंटीमीटर के? 100। कन्वर्ट हो गया, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, सीधे गुणा। अभी बताया दशमलव के बाद एक अंक है, तो 10, ये दशमलव खत्म हो गया। अब गुणा कर दीजिए, लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिए और 12 का गुणा कर दीजिए। 12 चौक 48 के 8, हंसी लगा 4, 12 3 36, 4 40, 40,800 सेंटीमीटर। विकल्प आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का 30% बराबर के 50%, ए का 30% के 50% के बराबर है यदि के बराबर 72 है तो ए के 15% का मान क्या होगा? का मान पूछ रहा है। विकल्प है आपका 22, 24, 18, 16। ए का 30% के 50% के बराबर है, के अगर 72 है तो ए का 15% क्या होगा? अब मुझे पूछ रहा है, देखिए ए का 15%, तो ए का 30% तो दिया ही है। तो अगर ए का 30% दिया है और मुझसे पूछ रहा है ए का 15%, तो इसको पहले ए का 30% ही मैं बना लें, ए का 15% बना लें, जो 30 है उसको 15। तो 15 कैसे बना? तो आप कहेंगे आधा किए हैं, यानी किस यहाँ भी आधा कर दीजिए। तब जब इधर आधा किए हैं तो यहाँ भी आधा कीजिए। हमें ए का 30% के 50% के बराबर दिया था और वैल्यू पूछा था ए का 15%, तो ए का 15% इसको 30 को कर देंगे। कैसे किए? आधा, तो इधर भी आधा कीजिए। अब के की वैल्यू आपको दी है, के का मान रख दीजिए 72 यानी 36 का 50% यानी कितने के? 18। सी विकल्प आपका सही। यदि ए बी का 95% तो ए का कितना प्रतिशत बी है? विकल्प है आपका 110 सही 3/19%, बी विकल्प है आपका 104 सही 7/19%, सी विकल्प है 108 सही 17/19%, और डी विकल्प है 105 सही 5/19%। देखिए कह रहा है ए जो है
बी का 95% है, यानी ए को ए मान लें और बी को बी मान लें, तो ए बी का मतलब गुणा 95%, 95 का मतलब 95/100, 5 से भाग दीजिए 19, यहाँ दीजिए 20, बी को उधर लाइए, यानी ए बटे बी बराबर कितने के हो गया, 19/20 के, ए बटे बी बराबर 19/20 के। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है ए का कितना परसेंट बी है, यानी किससे तुलना, ए का देखिए का लगा है, ए का यानी तुलना 19 से हो रही, किसकी तुलना होगी 20 से, गुणे 100 के, गुणा कर दीजिए 2000/19 के, भाग दे दीजिए 19/2000, 19 एकम 19 के, एक बचा 10, यहाँ देखिए 10 जाएगा नहीं, 0 उतारे, फिर 0 बढ़ा लीजिए, फिर यहाँ 100 कर दी, 19/25, 95 कितना बचा 5, यानी ये जो भागफल है 105 सही में लिखा जाए, जो शेषफल है ऊपर लिखे 105 सही 5/19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना परसेंट कम है, विकल्प आपका दिया है 50%, बी विकल्प दिया है 66.67%, सी विकल्प दिया है 200% और डी विकल्प दिया है 33.33%। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना परसेंट, पहले हम बेसिक ले चलेंगे, यानी 0 से टॉप लेवल, शुरू बेसिक चलते चलते हम टॉप के क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी ये जो अगर आप टॉपिक पढ़ लेंगे परसेंटेज 0 से टॉप, कोई भी एग्जाम कहीं भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, यानी चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दें चाहे एसएससी सीजीएल का देंगे, तो आप इसीलिए हम अभी 0 से उठा रहे हैं और आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन तक चलेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्न पर आप फिर इस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सोनेंट वावेल हमारे कितने होते हैं, 5, आप कहेंगे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वावेल हैं। अब कह रहा है कॉन्सोनेंट शब्द में अक्षरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 3, 6, 3, 9 टोटल अक्षर हैं, और इन 9 अक्षर में स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे स्वर 1, 2 यानी 3 स्वर हैं, 3/9 का मतलब 1/3। व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे अगर स्वर 3 हैं तो 6 व्यंजन यानी 6/9 2/3। अब कह रहा है कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का परसेंटेज, ये परसेंटेज है 1/3, चाहे इसको 33 से 1/3% कहिए, और ये व्यंजन का परसेंटेज इसको 2/3, 66 से 1/3, लास्ट में आपको परसेंटेज ही निकालना है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं, इसे भिन्न से निकाल लीजिए, यानी अब निकालना है 2/3
ये एक बटे तीन दो बटे तीन से, यानी देखिए शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना कम है, तो दो बटे तीन से एक बटे तीन कितना कम है, तो आप कहेंगे इस या तो रेशियो निकाल लीजिए, एक बटे तीन अनुपाते दो बटे तीन, तीन से तीन यानी दो, इससे कम है एक और ये इसका दुगुना है और ये इसका आधा है, तो अगर इसको 100% मान लें तो ये कितना हो जाएगा 50%, यानी 50% कम है, यानी तुलना करना होगा तो दो से कम है, कितना कम है एक और किससे कम है दो से, कितना परसेंट कम है 2×100 यानी 50% कम है, विकल्प ए। थैंक यू।